अगर उस दिन मीर जाफर एक धड़ा लेके अलग नहीं हुआ होता, अनशन पे नहीं बैठा होता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती है। मैंने इसीलिए शुरू में बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अहम इस देश और इस देश के इतिहास के ऊपर रहता है या रख करके चलते हैं। देश कुछ भी हो जाए, देश का बंटवारा हुआ तो इसी भावना के तहत हुआ कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, देश चाहे खंड खंड हो करिए और देश को हराते रहिए। आप लोग बेशर्मों की तरह देश को हराते रहिए और जश्न मनाते रहिए। मिश्रा जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आज देखिए राजनीति, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, उनको भी चुनाव लड़ने हैं और जाहिर तौर पर ये जो फैसला है ये चुनावी फैसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है और उसके मद्देनजर पंजाब को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने एक धड़े को, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए या एक किसान जो नाराज थे आपसे, एक वर्ग के लोग नाराज थे उनको खुश करने के लिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लेकर अपने कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया है और वो कैसे उनको मना पाएंगे? ये सबसे पहला गलत प्रिडिक्शन और गलत स्टेटमेंट, मुझे माफ करिए, हाँ ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फैसले क्या होते हैं? किसी एक आदमी किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए देश को दो धड़ों में बांट देना। जम्मू कश्मीर में आजादी के टाइम पे जो हुआ वो एक राजनीतिक फैसला था कि हमारी बात रहनी चाहिए और चाहे जो हो जाए। 500 मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो प्योर राजनीतिक फैसले थे। राजनीतिक फैसला ये तब होता अगर बीजेपी को ये राजनीतिक फैसला देना होता या करना होता तो वो प्लेट में सजा के उनके हिसाब से एमएसपी दे देती, जो जो चेंजेस बोल रहे हैं उनके हिसाब से कर देती, दो दिन के भीतर ये आंदोलन खत्म हो गया होता। ये मेरी एनालिसिस है। तो ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फायदा अगर लेना होता तो जो जो किसान आंदोलन के लोग बोल रहे थे वो सारी चीजें या उससे बेहतर चीजें प्लेट में सजा के दे दिया जाता, जैसे कि आप समझिए पाकिस्तान दे दिया गया था या और बहुत अक्साई चीन प्लेट में सजा करके दे दिया गया था, बहुत सारी चीजें दे दी गई थी और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो राजनीतिक फैसले थे। ये राजनीतिक फैसला नहीं था क्योंकि इसमें देखिए न दिया गया है, न बीजेपी अपनी बात मनवा पाने में सक्सेस हुई, न किसानों की बात को मान, ये नल एंड वॉयड का केस हो गया। आपने कहा राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन इसके टाइमिंग पर अगर हम जाए, आज गुरु पूरब है, कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब अमित शाह से मिलते हैं, 3 दिन पहले फार्म हाउस पर बीजेपी के सांपला साहब और यहाँ पंजाब के नेताओं से अमरिंदर सिंह साहब की मुलाकात होती है, क्या माना जाए इसको? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी राजनीतिक फैसला स्पेशली करंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। विपक्ष इसको इस तरीके से कोरिलेट करेगी, प्रोजेक्ट करेगी या किसान नेता। देखिए टिकैत का तो एकदम सारा कुछ ये किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक है उनका आंदोलन, ये छुपे हुए में राजनीतिक है, तभी वो वेस्ट बंगाल पहुंच गए। क्या मतलब है वेस्ट बंगाल में आपको किसी ने बुलाया? आप बार बार एमएसपी और इसकी किसानों की बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि चुनाव में हम हिसाब लेंगे, वो तो खुद ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मान रहे हैं कि हमारा आंदोलन राजनीतिक है और हम राजनीतिक बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक फैसला इसका नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का ये है जो मुझे लगता है कि एक हर्डल जो बना है जिससे पूरे देश में एक तरीके का आप समझ लीजिए डिस्टर्बेंस या टर्मोइल बना है, उसको खत्म किया जाए। बिल परिष्कृत तरीके से हो सकता है साल भर के बाद भी आ जाए, 2 साल के बाद भी आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं। राजनीतिक फैसला तब होता है जब पहले दिन किसानों ने डिक्लेयर किया, 2-4 दिन आंदोलन चला, तुरंत प्लेट में सजा करके सारी चीजें दे दी गई। जैसे और भी उदाहरण मैं बताऊंगा। नहीं ठीक है, मैं आपके पास आ गया हूँ। आपने सही कहा कि राकेश टिकैत साहब की बात की, वो तो राजनीतिक, आज इतना बड़ा फैसला हो गया और महाराष्ट्र में बिरसा मुंडा साहब की कोई वहां प्रतिमा लग रही वहां पर है वो, और महाराष्ट्र में जाकर सबसे बड़ी बात है कि वहां गन्ने का समर्थन मूल्य बहुत कम है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उस पर उनका दिन भर में एक भी बयान नहीं आया। क्योंकि मिश्रा जी मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या आज जो फैसला लिया गया है, जैसे हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से मांग आई है और इस तरह का चित्र अगर बनता है तो क्या आप सरकार पर दबाव नहीं बनेगा कि आपने उनकी बात मान ली, आप हम पे हमारी बात मान लीजिए? नहीं बिल्कुल, देखिए एक लंबे डिबेट का विषय है। हिंदू राष्ट्र होने में जो सेकुलर आप दुनिया की बेहतरीन सेकुलर सिस्टम ले लीजिए, उससे बेहतर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रजा पालन का आपको तब मिलता है जब यह आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र था। मैं इतिहास की बात करता हूँ। हिंदू राष्ट्र होने में प्रगति है, अपना विकास है, देश का है, दुनिया का विकास है, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आप 100 साल और ले लीजिए, आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बना करके और जो है सनातन सिद्धांतों को
मानते हुए सनातन इकोनॉमी और सनातन जो सोशल सिस्टम था उसको जब चलिए चलिए मतलब आप कह रहे हैं।